प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपने विचार, सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमें व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7000 आपकी स्क्रीन पर है, 7000 969 440, 7000 969 440, इस पर आप हमें भेजें। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। इससे पहले जो हमारा लोरी वाला एपिसोड था, काफ़ी पसंद किया आप सब ने। मेरे पास गुजरात से भी प्रतिक्रिया आई उसको लेकर, और सुनने वालों ने, दर्शकों ने ये कहा कि साहब ये बड़ा अद्भुत विषय था। और उनका ये भी आग्रह है कि भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई इस तरह की चीज़ों के महत्व को हम रेखांकित करते हुए आगे बढ़ें तो हम प्रयास करेंगे। आज हम डॉक्टर इंद्रभूषण वर्मा हैं, ये बालाघाट के निवासी हैं और काफ़ी बौद्धिक व्यक्ति हैं, और खुद प्रतिदिन एक लेखन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और लेखन विशुद्ध रूप से आत्मिक चिंतन, मनन और आध्यात्मिक दिशा का होता है। इन्होंने मन और आत्मा, इससे पहले भी संयोग है कि हमने मन के एक बड़े परिप्रेक्ष्य पर बात की, मनोविज्ञान पर, और अब इस एपिसोड में हम मन और आत्मा पर बात करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि त्रुटियाँ आत्मा नहीं करती, गलतियाँ आत्मा से नहीं होती, त्रुटियाँ जो भी होती हैं वो मन से होती हैं, मन करता है। तो मन और आत्मा का क्या संबंध है, और ये किस तरह से आत्मा के प्रकाश में मन रोशनी से भर जाए, या फिर किस तरह से मन को आत्मा के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से हम जोड़ सकें, तो चलिए सीधे अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। बड़े अच्छे विचारक हैं जिन्होंने, देखिए प्रश्न जो है अपनी संतुष्टि के लिए केवल पूछ लेना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ऐसा करना जिससे लोक कल्याण हो, वो प्रश्न जो है वो बड़ा वंदनीय होता है। ठीक बात है। मानस में तो मैया के द्वारा सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं जो है वो लोक कल्याण के लिए किए गए हैं। आप ध्यान रखिए, भागवत की उत्पत्ति जब हुई, श्रीमद गीता भागवत की बात कर रहा हूँ, तो उसकी उत्पत्ति में ऐसा नहीं है कि आचार्य द्रोण ने कहीं से इनको ज्ञान भक्ति और वैराग की शिक्षा दीक्षा से वंचित रखा हो या वेद पुराण ना पढ़ाया हो, लेकिन उस संशय को आधार बनाकर जिज्ञासु अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न। वाह, उनके अंतरचित्त में जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासाएं, वो उसका शमन करना चाह रहे हैं क्योंकि जीवन के महाभारत की समाप्ति करना चाह रहे हैं। तो अर्जुन मूल नहीं है, जिज्ञासु है, खाली पात्र लेकर पहुंचे हैं कि उस पात्र में बढ़ जाएगा। यद्यपि अशंका की न सोई और कहत सुनत सब कर हित हो, ऐसा पूछिए जिसके कहने और सुनने से सबका हित हो। तो सामान्य ने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा सुंदरतम प्रश्न पूछा है। मैं थोड़े क्लिष्ट शब्दों को जल्दी से संयमित करते हुए, क्योंकि इसकी शुरुआत तो मुझे करनी पड़ेगी। जब सचराचर सृष्टि में शून्य था, कुछ नहीं, तब परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें लगा कि इस शून्य सृष्टि में कहीं ना कहीं अब मुझे सृष्टि की संरचना करना है। तो जब सृष्टि की संरचना करने का वक्त आया तो तीन गुणों ने क्षोभ उत्पन्न किया, काल, कर्म और स्वभाव से। तो जैसे ही उनने क्षोभ उत्पन्न किया तो महतत्व आया, महतत्व आने से सृष्टि दिखने लगी। महतत्व में जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार मैता है, इसको नाम रख सकते हैं आप, जो दिखता है, जो भौतिकता है, वो जैसे ही प्रकट हुआ तो उसने काल, कर्म और स्वभाव से फिर क्षोभ उत्पन्न किया, और वैकारिक, तेजस, तामस, ये तीन विकार उत्पन्न हुए। पंच तत्व बना, पंच तत्व बनने के बाद इंद्रियां आए, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता आए, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बने, और मन बनने के साथ उसी मन से परमात्मा ने एक से अनेक होने का विचार किया और सृष्टि बनी, अपने आप को बांट दिया। तो आप ये भी कहीं परोक्ष रूप से कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि मन इस सृष्टि के नाना प्रकार के जो रूप प्रकार हैं, जो इस सृष्टि को रंगीन बनाते हैं, जो इसको रंग से, सुंदरता से भरते हैं, इसलिए मन का सकारात्मक पक्ष भी है।
सकारात्मक पक्ष नहीं, मन तो मूलतः सकारात्मक है। आ हा हा हा, क्या बात। मन को नकारात्मक या मन को लंपट कह देने से काम नहीं बनेगा। सही बात। मैं तो यहाँ दोनों पिता पुत्रों के संबंध बता रहा हूँ। जी जी जी। कि जब आत्मा ने मन का निर्माण कर लिया और परमात्मा ने मन का निर्माण करके चित चैतन्य बन के तो खुद आए, यानी आत्मा भी आए साथ में। पहले आत्मा आए तो आत्मा के कारण मन आया। मन आया क्योंकि आत्मा के साथ ही प्राण तत्व आया, मन आया। मन क्यों आया? क्योंकि संसार में माया की सृष्टि करनी थी। अगर माया की सृष्टि की नहीं होती तो फिर संसार बनता ही नहीं। संसार ना? बनता ही। मन वो परिकल्पना है, महतत्व से सजा हुआ मन है। इसलिए मन उस महतत्व स्वरूप में संसार में आया है। अब आप देखिए, एक बड़ा सुंदर भावाटकी है भागवत के तृतीय चतुर्थ स्कंद में। ये भावाटकी है तृतीय स्कंद की बात है, चतुर्थ स्कंद में ये भावाटकी है। ये भावाटकी जो है राजा बरिषद को, प्रचेता के पिता हुए बरिषद, जिनके 10 पुत्र प्रचेता हुए। प्रचेता ने ही कंडू ऋषि की पुत्री, कंडू ऋषि और प्रमलोचना की पुत्री से विवाह किया है। तो मारीषा, तो प्रचेता और मारीषा से ही सृष्टि का संचार हुआ है, ध्यान रखिए। तो बरिषद जब बहुत कर्मकांड करके और बड़ा सब सब कुछ कर करके बैठ गए और उनको लगा कि अब उनने तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, महान हो गए हैं और ये हैं, तब उनके पास नारद जी कृपा करके पहुंचे और उन्होंने एक भावाटकी सुनाया। भावाटकी कहते हैं कि जिसमें कहानी सुना रहे हैं आपको, लेकिन उसके भाव आपके अंतर चित्त को परिवर्तित करने वाले हों, दृष्टांत में दाष्टांत बताया। ये भावाटकी, भावाटकी तो उन्होंने जो है वो भाव, भाव आपके परिवर्तित करना है। तो उन्होंने दो मित्रों की कहानी सुनाई। ये प्रश्न को सुनकर मुझे एकदम से वो दो मित्रों की कहानी याद आ गई, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा दो परम मित्र थे, एक ज्ञात एक अज्ञात। दोनों जो है एक 10 दरवाजों की नगरी में पहुंचे। वहां उनको एक बड़ी सुंदरी दिखाई पड़ी। वो सुंदरी ऐसी थी कि उसके आसपास के परिवेश में 5 शीश वाले जो नाग हैं वो उसकी रक्षा कर रहे थे। 5 शीश वाले उसके साथ हमेशा घूमते थे और 11 उसके रक्षक थे, सिपाही थे, द्वारपाल थे, वो हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते थे, कोई जा नहीं सकता था। तो उस ज्ञात मित्र ने, ज्ञात का अर्थ है जिसका नाम था, अज्ञात का अर्थ था जिसका नाम नहीं था। उस ज्ञात मित्र ने जो है वो उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा और उससे विवाह कर लिया। ध्यान रखिएगा, उससे विवाह, जब उससे वो विवाह कर लेता है तो विवाह के साथ मालूम चलता है इसका तो एक बड़ा शत्रु है। अब देखिए यहाँ से भावाटकी का रहस्य खुल रहे हैं। उस शत्रु का नाम है जरा। उस शत्रु का नाम है जरा। जरा वो बार बार आक्रमण करता है और ये जो ज्ञात है वो बार बार उसके आक्रमण को रोकता है, लेकिन ये उस प्रेसी में ऐसा रम गया कि उसने अपने अज्ञात मित्र को भुला दिया। अज्ञात मित्र को भुला दिया और एक दिन जरा ने उसे पराजित कर दिया और जरा के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर जन्म जन्मांतर लेता रहा, फिर किसी जन्म में उसे ध्यान आया कि मेरा एक मित्र हुआ करता था। जैसे ही उसने याद किया वो अज्ञात फिर से आ गया और फिर से दो मित्रों का मिलन हो गया। अब आप यहाँ समझिए, ज्ञात आत्मा है, अज्ञात आत्मा है, ज्ञात जीव है, मन भी कह सकते हैं। ज्ञात जो है, हाँ आप समझिए, जीव की भी परिभाषा में आपको स्पष्ट, अज्ञात आत्मा है, अज्ञात जीव है। अज्ञात मूल रूप से परमात्मा है जिससे आत्मा बनी हुई है। अज्ञात है, साक्षी भाव में आपके साथ विद्यमान रहता है। प्रत्येक चित्त में परमात्मा है, वही चित्त चैतन्य है, शरीर तो वैसे ही रहता है। आप ये भी कह रहे हैं कि हम इसको खो भी देते हैं आत्मा को? नहीं, आत्मा कभी नहीं खोती। जब तक शरीर है तब तक आत्मा उसमें विद्यमान रहती। अगर आत्मा चली जाए तो आप विस्मृत कर जाते हैं। आप देखिए उसके कितने विस्मृत कर देते हैं जी, ये सही शब्द, विस्मृत ही किए रहते हैं। अब वो आत्मा जब शरीर में आती है तो मन के साथ आती है ना, बुद्धि के साथ आती है ना, चित्त के साथ आती है ना, और ये अहंकार लेकर आती है शरीर। मैं ये शरीर, नाम पता ठिकाना सब चीज लेकर आती है। ये मन उस आत्मा के सामने एक ऐसा आवरण उत्पन्न कर दे, परमात्मा के सामने, अज्ञात के सामने, कि ये जो आत्मा है ये अपने आप को जीव की अनुभूति करने लगती है। उसका नाम पड़ जाता है जीव। जब आत्मा मन के वशीभूत हो जाती है और इस शरीर को ही मैं समझ लेती है तो उसे जीव कहते हैं। वही प्राणी संसार के, हम सब जीव,
हम सब जीव भाव रहते, मेरा बेटा, मेरा लड़का, मेरा घर, मेरा ये जो सोच रहे हैं वो अपन ने अज्ञात को भूल दिए। अज्ञात को, अज्ञात वो जो बैठा हुआ है, जो चित्त चेतन चिदांश बनकर हमारे अंतर चित्त में है। तो अब मन ने हमें जीव बना दिया, अब हम पुतरिया उसके हो गए। तो वो हमें नाच नचनी कराता है मन, माया ठगनी के साथ मिलकर ऐसा बंधन बनाता है जानदार, और उसको वो देखते हैं क्यों, इसीलिए तो बनाया है उनने। जब कठपुतली को ये भ्रम हो जाता है कि मैं कितना सुंदर नृत्य कर रही हूँ, तो उस काठ में भी चेतना आ जाती है और उससे लगता है कि मैं ही चेतन हूँ, मैं ही चेतन, तो वो नचाने वाले के धागे को भूल जाती है, तो नचाने वाला रुक जाता है, कठपुतली रुक गई, कठपुतली रुक गई। तो ये मन और आत्मा के संबंधों के कारण जीव शब्द की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ एक बात निर्भर करता है, आप चाहते हैं कि परमात्मा की अनुभूति करें, आप चाहते हैं परमात्मा की अनुभूति करें, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है ये अनुभूति। तो आपको कुछ नहीं करना है, मन को निरंक करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि इसमें जो पांच शीश वाले जो सर्प बने हैं वही पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। और वो स्त्री ही व्याभिचारिणी है, कौन, बुद्धि। अब होना ये एकादश आपकी इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, ये आपकी 24 घंटा रक्षा में है। आप देखिए कहीं सदविचार की बात चल रही है, कोई ऐसा काम चल रहा हो जिसमें आपसे कहें अरे साहब आपको अपनी सेवाएं देनी है, बहुत अच्छी, सवेरे 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, और ये वो लोक कल्याण होगा, लेकिन आप बोलेंगे धन आएगा, धन धन नहीं मिलेगा, आप पीछे हट जाएंगे, सम्मान नहीं मिलेगा, आप पीछे हट जाएंगे, पीछे। तो आप उन्हीं पांच विकारों के कारण तो कर रहे हैं ना, उन्हीं शेषों के कारण तो कर रहे हैं। तो जरा कौन है, वो मृत्यु, वो बुढ़ापा, वो अंत का समय है, तब तक ये मन गतिशील रहता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी मन रहता है, तब भी वो आत्मा अनुभूति से वंचित रहता है। हाय हाय करते शरीर छोड़ता है और निकलता है उस चिदांश तत्व के साथ, और कर्म फल को भ्रमण करने के लिए जो सूक्ष्म शरीर धारण करता है वो मन से ही धारण होता है, उसकी अनुभूति मन में होती है, उसको कष्ट होता है, इसीलिए नर्क और स्वर्ग की व्यवस्था बनाई गई है। नारकी व्यवस्था भी मन झेलता है और स्वर्ग के आनंद को भी मन ही देखता है। आपकी सारी अनुभूतियां मन की होती। ये जो हम सनातन परंपरा में कहते हैं कि मन निरंक नहीं हुआ और शुद्धि की तरफ नहीं बढ़ा तो भटकेगा, किसी न किसी योनि में भटकेगा, ये आप ये ध्यान रख लीजिए, 84 जो घुमाने का काम करता है, चाहे उसे 84 कोटि कह दीजिए, 84 लाख कह दीजिए, योनियां होती है उसमें ये मन हमारे साथ रहता है, उसको अनुभूति पूरी रहती है, मन विस्मृत नहीं होता, क्योंकि मन की स्मृति के कारण ही तो उसे सुख और दुख की अनुभूति होती है ना। तो मन हर प्राणियों में सक्रिय होता है, पशु पक्षी का भी मन होता है, ध्यान रखिएगा, उस अनुभूति से विरक्त नहीं है, क्योंकि मन अगर चला जाएगा तो काम चला जाएगा, मन चला जाएगा तो आहार चला जाएगा, आप अपनी नित्य क्रियाएं, आप अपने सारे कामकाज आप देख लीजिए ना, उस व्यक्ति को आप देखिए जो जिसको आप लोग कह देते हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसका मन सुषुप्त अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसे समझ में नहीं आता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, चलता क्या है, बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सब चीज़ों से विस्मृत रहता है वो। हमने एक कथा में कहा है कि जब इंद्रियों में बातचीत शुरू हुई थी और अलग अलग प्रकार से तय हुआ कि सबसे बलवान कौन है, तो सारी इंद्रियों ने द्वंद्व युद्ध किया, सबने कहा नहीं साहब, तो प्राण को ज्येष्ठा की उपाधि मिली, प्राण को ज्येष्ठा की उपाधि मिली, वाणी को वशिष्ठा की उपाधि मिली, और मन को आयात्मा की उपाधि मिली, आधार है, ये सब उपाधियां उन्हें ही प्राप्त हुई, नयन को प्रतिष्ठा की उपाधि मिली, इससे ही प्रतिष्ठित हुए वो, सब अपनी अपनी इंद्रियां छोड़कर चले गए, आँख चला गया कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा तो भी मनुष्य जीता रहा, वाणी चली गई तो भी गूंगा बनकर जीता रहा, ध्यान रखिएगा, फिर मन चला गया वेग के साथ, तो मनुष्य जो है निरंक हो गया, सुन इधर से उधर घूमता था वो, जिसको बंद बुद्धि कहते हैं वैसे ही वो अपने मन का अभाव हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी जीता रहा, लेकिन जब प्राण ने कहा मैं चलता हूँ, अज्ञात ने कहा चल, तो प्राण ने जब संवेग से कहा तो उसके साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब निकलने लगे उत्सर्ग, तो उन्होंने कहा रुक जाओ महाराज, आप चले गए तो क्या होगा,
तो जिस अनुभूति को हम देखिए, ये करंट के सिस्टम बने हुए हैं, आप इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, करंट के मुख्य स्रोत जहां से ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है वो आत्मा है। आत्मा अपनी अनंत प्रकाश आपके जीवन में देता है, तभी तो आप, तो आप वंदना करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं आत्मा तुम गिरजामति जी, जी तुम साक्षात आत्मा हो प्रभु परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आप अमल हो अनक हो, तो आप जब वो ये तत्व जो है ऊर्जा वहां से आई आत्मा से, तो आत्मा से जब ऊर्जा आई तो बल्ब जला, वो मन है, जो बल्ब जला वो मन है, और जो अनुभूति बल्ब जलने से आपको हुई उसे आप प्राण तत्व कहते हैं, जो पंच प्राण बनकर आपके जीवन में रहता है, उसका काम इस शरीर की इंद्रियों को प्रतिपूर्ति करना है, देना है, प्राण व्यान अपान सुदान समान और उदान, ये पंच प्राण के रूप में आपके आए। इसके बाद पंच प्राण सूक्ष्म तत्वों में इंद्रियों में समा गए, कोई नाग है, कहीं कूर्म है, कहीं करकिल है, कहीं धनंजय है, इस रूप में ये प्राण समाए, आपकी इंद्रियां चली, शरीर चला, तो ये सारे संचालन का मूल स्रोत मन, लेकिन मन ही वो माया है जिसने आत्मा को जीव की उपाधि दे दी है। तो आपको लगता है कि आत्मा अनुभूति हो रही है, लेकिन वो जीवानुभूति है, आत्मा तो साक्षी गोपाल है, वो तो अज्ञात मित्र की तरह आपको देखते रहता है कि कैसे तुम पुनश्चली उस सुंदरी के फेरे में घूम रहे हो चारों तरफ, अब भूल गए हो उसको। तब पक्षी में बैठे हुए जब पेड़ में बैठे हुए दो सुंदर पक्षियों के चित्र आप देखते हो, वो मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी देखते हो, इतना पुरातन संस्कृति है कि एक खा रहा है एक देख रहा है, वो आपको संसार में सारी लीलाएं करते हुए अंदर से देखता है। अच्छा, आत्मा की अनुभूति करना है तो सबसे सुंदर उदाहरण आपको दे देता हूँ, जब आप झूठ बोल रहे होते हो, सफेद झूठ बोल रहे होते हो, तो कौन देख रहा होता है? कोई नहीं जान रहा, कोई देख तो रहा है, इसका आभास आपको होता रहता है। जब आप ईश्वर की आराधना करते समय माला की गिनती कर रहे होते हो, 1 करोड़ हो गया, 1 लाख हो गया, 25 हो गया, 3 माला रोज हो गया, तब आपको कौन देख रहा होता है? कि माला के कनकाओं में कितना ध्यान तुम्हारा लगा था। जब मन का छेदन आप करते हैं, मन में विषयों का, तो जैसे ही हृदयान ग्रंथि अविद्या की गांठें खुलती है, तब उस आत्मा की आप अनुभूति करते हो, और जिस पल आत्मा की अनुभूति हो जाती है ना, वो क्षण आपके जीवन में निमिष बराबर आता है, त्रुटि के बराबर आता है, एक चुटकी के बराबर आता है, लेकिन तब आप सरोवर हो चुके होते हो जन्म जन्मांतर के लिए, तब आपके विवेक में शुद्धता होती है, जीवन में शुद्धता होती है, बहुत सुंदर, और आप जो है एक सुंदरतम परिपूर्ण जीवन को की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, और ये बताता है कि यात्रा मन से आत्मा की तरफ झंकृत होते हुए बढ़े, और आत्मा धीरे से मन का नियंता बनकर, क्योंकि वही है ही, उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने को देख रहे हैं करते हुए, ये कौन देख रहा है? ये आत्मा देख रही है, और मन ने जीव नाम दे दिया है उसे। बड़ी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही, और बहुत जीवन का आखिर आपकी इस पूरी यात्रा का उद्देश्य क्या है? जीवन भर डरे रहना, विछोह के बाद दुखी रहना, संपत्ति अर्जन की प्रक्रिया में दुखी रहना और संपत्ति जाने पर दुखी होना, संसार में आने पर दुखी होना और जाते समय भी दुखी रहना, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में तो क्रमशः दुख का ही विस्तार है, और ये दुख इसलिए है कि ये मन से संचालित है सब कुछ। मन हमेशा यही कहता है कि सब कुछ बना रहे, और आत्मा कहती है कि ये तो छूटेगा पगले, ये तो जाएगा एक दिन, तू इधर आ जाना, जहाँ ये आना जाना छूटना मिलना बिछुड़ना ये सब समाप्त हो जाता है, लेकिन उस रोशनी की तरफ हम बढ़ने के बजाय मन को चुन लेते हैं और आत्मा को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।